उन्नाव में दही थाना ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए फर्जी तरीके से वोटर आईडी और आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने 56 वोटर आईडी कार्ड, 6 आधार कार्ड समेत कई दस्तावेज बरामद किए हैं। ये गैंग उन्नाव में लंबे समय से मोटी रकम लेकर फर्जी आधार और वोटर आईडी कार्ड बना रहा था। एसपी दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि लखनऊ बाईपास पर ओवर ब्रिज के नीचे से पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर एक सेंट्रो कार में सवार 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि सभी मिलकर पैसों के लालच में 500 से 5000 रुपए तक लेकर मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र आदि बनाने का कार्य करते थे, जिनके पास से पुलिस को 56 वोटर आईडी कार्ड, 6 आधार कार्ड समेत कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। वहीं आधार कार्ड की एजेंसी लेने वाला युवक गोरखपुर का रहने वाला है। दही थाना की टीम और स्वाट टीम प्रभारी के द्वारा 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनके द्वारा कूट रचित वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र आदि बनाए जाते थे। इनके द्वारा एक जनसेवा केंद्र चलाया जाता था। जनसेवा केंद्र में पहले फर्जी तरीके से वोटर आईडी कार्ड जनरेट करते थे। जब वोटर आईडी कार्ड बन जाता था, उसके बाद ये एक जो है टेंडर के द्वारा, बीएसएनएल के द्वारा टाइप जो है, 2 लोग हैं इसमें शामिल हैं, जिसमें उनको बुलाया जाता था और उनके द्वारा जो है बीएसएनएल की साइट पर जा करके, जो आधार कार्ड की साइट उस पर जा करके आधार कार्ड बनाया जाता था। इस तरह कुल मिलाकर के 56 वोटर आईडी कार्ड बरामद हुए हैं और 6 आधार कार्ड बरामद हुए हैं। जब उसका परीक्षण कराया गया तो जो 2-6 आधार कार्ड हैं उनके जो वोटर आईडी कार्ड बनाए गए हैं उस स्थान पर रहने वाले जो पता गलत दिया गया है। इस तरह एक फूट रचित तरीके से आधार कार्ड वगैरह बनाते थे।